दिव्य दृष्टि क्लासेज में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप देख रहे हैं दिव्य दृष्टि क्लासेज और ये जो हमारा पता है मंगल विहार रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर। कॉन्टेक्ट नंबर है 9530262727 और हमारी एक ब्रांच है गांधीनगर मोड़ नेहरू गार्डन के पीछे जयपुर और संपर्क सूत्र है 8290772627। पीएसआई बैच है वो हमारा शुरू हो गया है। जो भी साथी हैं पीएसआई बैच से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या अन्य बैच से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में साथियों हिंदी में सघोष अघोष वर्णों को कैसे चुटकियों में पहचानते हैं, वहां से बहुत प्रश्न आते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूं। एक बार पढ़ लेंगे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बहुत ही शानदार तरीके के साथ में सघोष और अघोष वर्णों को आपको छांटना सिखाने वाला। तो चलिए पहले हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। स्वरतंत्री में कंपन के आधार पर ये वर्गीकरण होता है साथियों। स्वरतंत्री में कंपन के आधार पर जब वर्णों का वर्गीकरण किया जाएगा तो उसे साथियों दो भागों में बांट दिया जाएगा। तो आपके सामने मैं सीधा चित्रण कर रहा हूं, अब देखना जरा। स्वरतंत्री में कंपन के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है भाई वर्णों को। एक तो अघोष होते हैं और दूसरा जो होता है वो होता है सघोष। आप लोग सघोष को घोष भी बोल सकते हैं। देखो तो घोष और सघोष ये दोनों तो एक ही बात है भाई। तो हम मोटे तौर पे ऐसे कहें कि एक अघोष होता है और एक सघोष होता है। ये दो भेद स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर कर दिए जाते हैं। अब अपने को ये देखना है कि अघोष जो वर्ण है ये इनमें से कौन कौन से हैं और सघोष है वे इनमें से कौन कौन से हैं। तो चलिए बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूं, एक बार देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, अघोष वर्णों की, कि अघोष कौन कौन से हैं। अघोष इसके लिए मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं। ये गुरु मंत्र ध्यान रखेंगे जिससे बहुत आसानी से आप ये सीख पाएंगे और जिंदगी भर के लिए आपके परमानेंट याद हो जाएगा। देखो यहां आपको बोलना है क्या लिखा भाई मैंने, एक, फिर लिखा दो और तीन साधु अघोरी। क्या लिखा है भाई, एक दो और तीन साधु अघोरी। बोल के देखिए इस पंक्ति को एक बार, एक दो और तीन साधु अघोरी। क्या तात्पर्य हुआ भाई इसका, तो देखो जरा यहां पर हमें दिख रहा है एक दो, एक दो। इसका मतलब है कि यहां पर जो हमें ये वर्ग दिख रहे हैं, देखो ये क वर्ग है, इसको हम च वर्ग बोलते हैं, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। ये वर्ग है भाई पांच अपने। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, एक दो का क्या मतलब है, प्रत्येक वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण आपको दिख रहा है ये अघोष होते हैं। उसके बाद में है तीन साधु। तीन साधु का मतलब है ये तीन से, ये तीन साधु हैं। देखो ये तीन साधु रहे, ये तीन से हैं। ये भाई अघोरी, अघोरी का मतलब अघो, अघो का मतलब अघोष। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक दो और तीन साधु अघोरी, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और ये तीन साधु ये अघोरी हैं। तो चलिए सीधे शब्दों में हम लिख लेते हैं अघोष कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, तो ये हो गए। और तीन साधु का मतलब हुआ ये तीनों से। तो इस तरह से कुल मिला के दस, तो देखो ये हो गए,
और तीन ये हो गए, तो इस तरह से संख्या की बात करें तो कितनी हो गई बोलो, 13। ये तो बात थी अघोष वर्णों की। अब इसके बाद में बात करते हैं सघोष कौन कौन से होते हैं। सघोष तो देखे, सघोष जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सघोष, यस। अब एक तरह से तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अघोष तो हमने पढ़ ही लिए हैं, तो बाकी के बच गए वो सघोष होंगे। ये तरीका है एक तो। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ही एक गुरु मंत्र देता हूं, उससे आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है। देखो, सघोष का जो गुरु मंत्र है अपना, वो आपको ध्यान रखना है भाई। देखिए क्या लिखा है मैंने, 3, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 5। 3, 4, 5, चारों में लव है। क्या लिखा है भाई, 3, 4, 5 यारों में लव है। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ वो चलो देखो एक बार। ये जो दिख रहा है 3, 4, 5, इसका मतलब है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। बताओ यही बच रहे हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा। और उसके बाद में है देखो, ये रे ले वे है, ये रे ले वे है। तो देखो ये दिख रहे हैं अपने को, ये रे ले वे है, मतलब हो गए सारे के साथ, ये रे ले वे है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई 3, 4, 5 यारों में लव है, इस तरह से आप छांट सकते हो। और एक चीज और ध्यान रख लेना, सभी स्वरों की बात करें तो सभी स्वर है ना वो भी सघोष होते हैं। तो अब देखो चल लिख लेते हैं हम क्या क्या होते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण भाई ये लो। दूसरी बात करें तो यारों में लव है, मतलब ये रे ले वे और है, ये हो गए। और भाई सभी स्वर, स्वर सारे के सारे है ना, ये 11 स्वर दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे 11 स्वर हैं। ये कैसे होते हैं भाई, सघोष होते हैं, सभी सघोष होते हैं। तो अब बात करते हैं संख्या की, इनकी संख्या कितनी है। तो चलो गिनते हैं, देखो 3, 5 वर्ग है, 3, 3 है, 5, 3, 15, तो ये हो गए, और 5 ये हो गए। देखो 15, 5, 20 और 11 स्वर हो गए, 20 और 11 कितने हो गए, 31। तो इसका मतलब है सघोष वर्णों की संख्या कितनी, 31 है, अघोष की संख्या 13 है। आप लोग एक चीज और देखिए, इधर देखो 1, 3 और इधर इसका उल्टा हो गया 3, 1, तो इस तरह से ये संख्या होती है। तो ये थी भाई अपने अघोष और सघोष। तो आपने देखा कि अघोष 1, 2 और 3 साधु अघोरी, ये एक पंक्ति याद रखनी है। सघोष में 3, 4, 5 यारों में लव है, ये ध्यान रखना है। ये लो आपके सघोष का और अघोष का मामला समाप्त। तो साथियों इसी तरह से अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो आपको पता है कि जो PSI बैच है अपना, PSI में जैसे 2 पेपर होते हैं, और जिसमें फर्स्ट पेपर है अपना, वो फर्स्ट पेपर किसका रहता है, हिंदी का रहता है, और इसमें 100 प्रश्न आने वाले हैं। कितने प्रश्न आने वाले हैं, 100 प्रश्न आने वाले हैं, एक पूरा पेपर हिंदी का है। तो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने वाली है वो हिंदी। तो यदि आप PSI की तैयारी कर रहे हैं, आपके कोई साथी कर रहे हैं, तो आप हिंदी में पूरे के पूरे अंक प्राप्त करने के लिए और एक अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नया बैच है वो प्रारंभ हो चुका है, सुबह 8 से 12 बजे तक ये समय रहता है। पता जो हमारा है वो आप देख पा रहे हैं, मंगल विहार रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर, दिव्य दृष्टि क्लासेज। और अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दे रखे हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। गांधीनगर मोड नेहरू गार्डन के पीछे जयपुर, ये जो नंबर दे रखे हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। PSI में हिंदी का जो रोल है वो पूरी तरह से मैं आपके साथ रहकर निभाने वाला हूं, पूरी तरह से। ये देखो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो,
चाहे टॉपिक टेस्ट हो, जिस बच्चे की जहां पर कमी होगी मैं उसे व्यक्तिगत तौर पर निखारने का प्रयास करूं। ठीक है, तो जो भी साथी हो आप जुड़ सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपनी मुलाकात होगी, ऐसा ही शानदार वीडियो आपके लिए फिर लेकर आ रहा हूं। तो लगे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।